साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यकीन मानिए आप उस काम को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत सब लोग करें तो आप बहुत कम बोलने की आदत डाल लीजिए, जहां पर जरूरत हो वहीं पर बोलिए। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान मोटिवेशनल वीडियो या मूवीज को देखता है वो उन लोगों की तुलना में बहुत कम नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आप में बहुत सारी खूबियां नहीं बल्कि किसी एक खूबी को देख करके आपसे प्यार करती है। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी पूरी आदतों की वजह से आपसे नहीं जलता है बल्कि वो इसलिए जलता है कि आप सफल हो रहे हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उनसे में पॉजिटिविटी रहती है। आप किसी के लिए चांद तोड़ करके ला दीजिए, आप किसी के लिए चांद तोड़ कर ला दीजिए या किसी की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी भी जिंदगी दांव पर लगा दीजिए, लेकिन समय आने पर सामने वाला ये कहने पर का दुस्साहस जरूर करेगा कि मैंने कहा था क्या तुमसे ये करने के लिए, तुमने ये जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। इसलिए अपनी वैल्यू समझिए, बिना वजह ही किसी के पीछे मत भागते रहिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान दे। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही हमें दर्द सहने को मिलता है, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी हमें तकलीफ देता है। दिल बुरा रख, जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता है। तो इज्जत दी है, दिल से दी है, और जिसे छोड़ दिया है उसे दिल से छोड़ दिया है। सच्चे प्यार में वापस आने की खासियत होती है। अगर आपका पार्टनर वापस नहीं आता है समझ जाइए कि वो आपसे सच्चे प्यार नहीं करता है। अगर आप मूव ऑन करने के लिए किसी से बात करना चाहते हैं या मदद मांग रहे हो तो बोल दो। अगर आप किसी से सिर्फ बात करना चाहते हो तो सामने वाले से बोल दो। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो तो आप सामने वाले से बोल दो। बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस खुद को शांत करो और प्रतीक्षा करो। जिन्होंने आपको दुख दिया है अंत में वो खुद को खराब कर लेंगे, और यदि आप भाग्यशाली हो तो ऊपर वाला आपको सारा मजा आपकी आंखों को देखने के लिए ये हसीन मौका देगा। आपने आसपास ढूंढो, देखो, समझो और उन लोगों की तलाश करो जो आपकी जिंदगी को कलरफुल बनाते हैं। उन लोगों को से दूर हो जाओ, उन्हें छोड़ दो जो आपकी जिंदगी को कलरलेस बनाते हैं। एक समझदार इंसान किसी को ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करता है, वो देखता है और बहुत कुछ देखता है। जब वो कुछ सब कुछ समझ लेता है तो बस इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। जो इग्नोर करते थे वो अब भी दीवाने हो जाएंगे, पीछे पड़ जाओ। जैसे ही आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना शुरू कर देते हो अपनी फील्ड के महारथी होने लगते हो। जिसने इग्नोर किया है उसको तो हटाओ, दुनिया भी दीवानी हो जाएगी आपकी। जैसे ही आपका अपनी पर्सनालिटी को सुधारना शुरू कर देते हो, जैसे ही आप चलने का ढंग, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, बातचीत करने का ढंग, और जैसे ही आप पहले के मुकाबले में सुंदर और हैंडसम दिखने लगते हो, याद रखना आजकल जो दिखता है वही दिखता है। जैसे ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप खुद अकेले अपनी दुनिया में खुश रह सकते हैं, आप निर्भर हैं, आप दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, यकीन मानिए धरती को वो सब आपको लाइक करने लगेंगे। एक फैक्ट याद रखना, आपके लिए जो कुछ भी है वो वास्तव में आपके पास आएगा। अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी बातें। अपनी लाइफ में अनगिनत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में कितनी बातें इग्नोर कर देते हैं। उस व्यक्ति की वैल्यू जरूर करनी चाहिए जो हमें अपना समय देता है। वो केवल समय ही नहीं देता है, आपके साथ अपने जीवन का वो एक अच्छा पल बिताता है। वादा उसी से करो जो आपके वादे को निभा सके। दुख उसी को बताओ जो आपके हौसले आपको हौसला दे सके। काम ऐसा करो जिससे आपकी इज्जत बढ़ सके। निजी बातें उसी से बताओ जो आपकी बातें गुप्त रख सके। और प्यार उसी से करो जो आपको समझ सके। उसे मत करो जो आपको समझता ही नहीं है। उसके पीछे मत भागो जो आपको जानता ही नहीं है। किसी को हर समय आपको याद करने की मजबूर ना करें। बस चुप रहो और उन्हें एहसास होने दो कि वे अपने जीवन में आपके बिना भी कैसे रह सकते हैं। प्रेम अवश्य जरूरी है पर आत्म सम्मान बहुत जरूरी है। खुशी वो नहीं है जो आप चाहते हैं बल्कि वो है आपके पास जो कुछ भी है उस पर आप आनंद ले रहे हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं। ऊपर वाला जानता है आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। उस पर विश्वास रखो। खामोशियां ही बेहतर है, बातों से लोग उठते बहुत है।
अक्सर वही बातें बहुत ज्यादा लगती हैं जिनके जवाब में हम कहते हैं कुछ नहीं। हम हमेशा खुद को सही और सामने वाले की इंटेंशन को समझे बिना उसे गलत मान लेते हैं, उसे जज करने लगते हैं। एक उम्र वो थी कि जादू में तब भी यकीन था, एक उम्र ये भी है कि हकीकत में भी कुछ यकीन नहीं होता। गुण 36 होना या जरूरी नहीं है, बस 4 अच्छे होने चाहिए, व्यवहार साफ, नियत और ईमानदारी। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। कोई आपका साथ दे ना दे, निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हम सफर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ये बिल्कुल न सोचें कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्याएं हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, बात करते हो, सोचते हो, तो आप देखोगे कि हर कोई संघर्ष करके ही आगे बढ़ा है। समय लगभग सब कुछ बदल देता है, हर चीज को बदल देता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपका विषय नहीं है, सामने वाला व्यक्ति भी यही सोच रहा होगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुरानी जिंदगी सबकी बर्बाद होती है, अपने अतीत को लेकर के परेशान क्यों होते हो? जो हो गया है हो गया है, अब आगे अब जो हो है बस उसे देखो, उसे खराब मत करो। हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई भी जरूरत नहीं। हम जैसे हैं अच्छे, हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हीरे जैसे चमको दुनिया दौड़ के खरीद लेगा, तुम्हारे पास चल के आएगा, बस खुद पे खुद को बना कर देखो। लोग नहीं, लोगों के बीच में सम्मानित बनने के लिए खुद में जी तोड़ मेहनत शुरू कर दो। खुद में वफादार बनो, खुद की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाओ। ड्रामेबाज और निगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहो। अपने सपनों का पीछा करो, हर कीमत अदा कर दो अपने सपनों को, सपनों के लिए। कभी भी अपने बारे में एक शब्द भी बुरा मत सोचो। लोगों को इग्नोर करना शुरू करके अपने काम को वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। यकीन मानो, पूरी दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। जिंदगी मिली है तो कोई मकसद रखिए। दिन भर मोबाइल में चैटिंग करके अपना टाइम पास मत कर दीजिए, ये टाइम बहुत कीमत है। मजबूत इंसान को देख करके लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटा ही टूटता क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि टूटने के बाद भी वो व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो पाया है, इतना मजबूत कैसे बन गया है। किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है सिवाय आपके। ज्यादा सोचना बंद करो, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर चीज आपके अनुसार हो ये जरूरी नहीं है। आखिर जिसने हमें सबको बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। दूसरों को खुद से न खुद की तुलना करो दूसरों से, और ना ही किसी को जज करो। हम सब ने की स्थिति अपनी अपनी अलग होती है, अलग अंदाज होता है। क्या पता कि सामने वाले किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। समय लगभग सब कुछ सही कर देता है। कुछ बिगड़ गया है समझा, कुछ छूट गया उसे छोड़ दो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे सोचने दो, हर किसी की अपनी समझ है। पास्ट किसी का अनाही होता है। अतीत में हर दूसरे इंसान ने गलतियां की होती है, इसलिए अतीत में हुई गलतियों का दुख लेकर के परेशान मत हो और आने वाले समय को बर्बाद मत करो। बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार करो और इस पल को जियो, यही वास्तविकता है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। उन वजहों को पकड़ करके ये लगा रहता है जो वे वजह हैं। भले ही वो आपसे बात करता हो, लेकिन ये दो सटीक बात नहीं करता हो, लेकिन ये दो सटीक संकेत उसी शख्स के बारे में है कि वो जो बार बार आपकी नजरों के सामने आ जाता है कि वो भी आपको याद कर रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।